कैसे हैं आप दोस्तों? आज आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। कमेंट पे कमेंट की सर, गीजर हमारा गर्म होता है, उसके बाद से उसे रिसेट करना पड़ता है, उसके बाद से फिर गर्म पानी करता है, फिर ऑटो नहीं चलता है, फिर वो अपने आप दोबारा रिसेट करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आखिर आ क्यों रही है? एलिमेंट जो ख़राब है, थर्मिस्टर जो ख़राब है। तो ये दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आपके गीजर में क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपका गीजर दोबारा रिसेट नहीं होता है। क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते रहिए हैं, उसके बाद से फिर कमेंट करते हैं कि सर ये कैसे हुआ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलते हैं आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट। दोस्तों आज हमारे पास एक एलिमेंट है और दो थर्मोस्टेट हैं, ठीक है। इंडिकेटर की यहाँ पे जरूरत है नहीं। इस पर आपको मैं समझाऊंगा कि जब आपका गीजर गर्म पानी कर लेता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो दोबारा आप यूज़ करते हैं, फिर दोबारा वो रिसेट नहीं होता है, फिर दोबारा गर्म पानी नहीं करता, उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? आपके पास जो एक थर्मोस्टेट होता है, देखिए इस टाइप का, इसको आप रिसेट करते हैं, दबाते हैं, उसके बाद से फिर वो गर्म पानी करने लग जाता है और आप यूज करते हैं, फिर कंडीशन वो बार बार आती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है? तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं दो तीन गीजर के ऐसे फॉल्ट बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला फॉल्ट है दोस्तों कि आपका जो अभी मैंने बताया कि गर्म पानी होता है, उसके बाद से दोबारा आपका गर्म पानी नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, वो क्यों होता है? दोस्तों हमारा आपने कनेक्शन देखा होगा, अगर आपने कनेक्शन आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दे दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि फिर मैं आपको कनेक्शन समझाऊंगा तो वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। तो आपको जैसे पता हो दोस्तों, हमारे पास दो थर्मोस्टेट लगे रहते हैं। एक थर्मोस्टेट होता है आपका ये, तो इसको आप ये डंडी में देखिएगा, हर किसी में नहीं होती, क्योंकि ये गीजर थोड़ा दूसरा है। तो ये होता है दोस्तों हमारा टेम्परेचर का, इससे हम टेम्परेचर सेट करते हैं, हमने 60, 65, 70 जितने भी अपना गीजर को रखना है, इससे हम अपना टेम्परेचर सेट करते हैं। दूसरा होता है हमारा दोस्तों, अगर हमारा गीजर कभी बंद हो जाता है तो इससे हम रिसेट करते हैं, गीजर दोबारा चल जाता है, फिर हमारा गर्म पानी करने लग जाता है, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि आपकी जो प्रॉब्लम है। तीसरा हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट का काम केवल दोस्तों है कि इसको करंट मिलेगा, गर्म पानी करेगा, करंट अगर इसका बंद हो जाएगा तो ये गर्म पानी नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आपने करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या रहती है। जब दोस्तों ये आपका थर्मोस्टेट खराब हो जाता है ना, ये वाला टेम्परेचर वाला, जब टेम्परेचर वाला थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो क्या करता है दोस्तों, जैसे कि आपने माना सपोज 60 में आपने 60-65 में आपने इसको सेट कर रखा है, तो 65 में सेट कर रखा है, उसके बाद आपका पानी 65 डिग्री गर्म हुआ, तो ये क्या होता है दोस्तों, कट नहीं करता है, ये खराब हो जाता है और ये पानी को गर्म करते रहता है। तो जब ज़्यादा हीट हो जाता है दोस्तों, तो जो आपका ये थर्मोस्टेट लगा है, ये आपके गीजर को बंद कर देता है, ताकि आपका एलिमेंट खराब ना हो जाए, ठीक है। फिर जाके जब आप पानी यूज़ कर लेते हैं, गीजर भी ठंडा हो जाता है, तो फिर आप दोबारा से रिसेट करते हैं, फिर गर्म हो जाता है। तो आपका जो उसमें ख़राब होता है दोस्तों, आपका होता है एलिमेंट खराब ना, ये सॉरी आपका टेम्परेचर वाला जो आपका थर्मोस्टेट है, इसको चेंज कर दीजिए, आपका गीजर सही हो जाएगा, ना कि इसको, ये आपका थर्मोस्टेट सही होता है, ये खराब हो गया होता है। जब भी आपकी कंडीशन ऐसी गीजर में आए तो आप इस थर्मोस्टेट को बदल दीजिए, या अगर आपको रिपेयर करना आता है रिपेयर कर लीजिए, अगर आपको रिपेयर करना नहीं आता है, इसके लिए भी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, आप एंड स्क्रीन में वीडियो डाल दूंगा, देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है गीजर का ये है। इसके बाद हम करते हैं दूसरे फॉल्ट की बात। दूसरा फॉल्ट क्या होता है आपका, ये सब कुछ सही होता है ना, ये ट्रिप कर रहा होता है ना कुछ कर रहा होता है, जब भी आप गीजर ऑन करते हैं आपका गीजर ऑन हो रहा होता है, लेकिन आपका गीजर लिमिटेड पानी गर्म दे रहा होता है। जैसे माना आपका 25 लीटर का गीजर है, उसने 2 लीटर गर्म पानी दिया हल्का सा, उसके बाद फिर ठंडा पानी आ गया, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम क्या है गीजर में? दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि इस कंडीशन में होता क्या है। इस कंडीशन में दो चीज़ें होती है दोस्तों, जैसे आपका एलिमेंट है, ठीक है, या तो इस पर आपका पूरा चूना जम गया है। जब यह पूरा चूना जम जाता है ना, तो होता क्या है कि इस चूने को गर्म होने तक आपका जो थर्मोस्टेट होता है ना, वो ट्रिप कर जाता है, क्योंकि थर्मोस्टेट को उतना टेम्परेचर मिल गया होता है, पानी गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि इसके बाहर से काफ़ी चूना जम जाता है, जिससे वो पानी को पूरा गर्म नहीं कर पाता है और आपका गीजर ट्रिप हो जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि आपका गीजर का जो एलिमेंट है कहीं से क्रैक हो गया है। अगर जब क्रैक हो जाता है तो जो इसके अंदर जो तारे होती है ना, वो डायरेक्ट पानी के संपर्क में आ जाती है। जब पानी के संपर्क में आ जाती है तो होता क्या है कि आपके पानी को एकदम गर्म करती है, उसके बाद से उसको टेम्परेचर मिल जाता है और ये आपका कट हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपका पानी हल्का गर्म होता है, उसके बाद से गर्म नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, गीजर को खोलेंगे, एलिमेंट को निकालेंगे, चूना साफ करेंगे, उसके बाद से इसको टेस्ट सीरीज से इसको चेक करेंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज से चेक करना नहीं आता, इसके लिए भी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं,
एंड स्क्रीन पर अगर डाल दूंगा वीडियो, वहां से भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो आपने इसको टेस्ट से चेक करना है, इसका इसकी अर्थिंग चेक करनी है, ये लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर लीकेज हो रहा है तो उस कंडीशन में भी गीजर आपका खाने कम गर्म करता है और उससे पहले, और इस गीजर को बंद कर देता है। उसके बाद दोस्तों तीसरी कंडीशन होती है, आपका सब कुछ ऑन है, आपका थर्मोस्टेट भी ऑन है, आपकी गीजर में दो की दो लाइटें भी जल रही हैं, लेकिन आपका गर्म पानी बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपके गीजर में से एक बूंद भी गर्म पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने क्या चेक करना है, उस कंडीशन में भी आपने दोस्तों एलिमेंट ही चेक करना है, ठीक है। आप गीजर को खोलेंगे, अगर आपके दो के दो इंडिकेटर ऑन है तो आपको गीजर को खोलना है, ठीक है। उसके बाद से आपने गीजर के एलिमेंट से कनेक्शन हटा देने हैं और गीजर आपने एलिमेंट को चेक करना है। इस कंडीशन में भी आप एलिमेंट ही चेक करेंगे और आपके एलिमेंट में जो फॉल्ट होगा आपको पता चल जाएगा, आपने एलिमेंट चेंज करना है, आपका गीजर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों दो चार इस टाइप की जो प्रॉब्लम है मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। अगर उसके बाद भी आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कल संडे को मैं 8 बजे लाइव आऊँगा, हर संडे को इस हफ्ते से आप लाइव आके आप मेरे को बता सकते हैं, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इसके पीछे मेरा व्हाइट बोर्ड लगा रहेगा, व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने ड्राइंग बनाए, कैसे क्या करना है। आपके दिमाग में जो भी फॉल्ट है, अगर आप काम कर रहे हैं या अगर आप काम सीख रहे हैं या अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आप काम नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है, आप खुद से भी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड कल मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। पहली बार आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं।